हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी उपलब्धा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी। क्लास 10 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हेरिडिटी। हम लोग को बोर्ड में बहुत ज़्यादा मार्क्स से पूछेगा भी, और साथ में हम लोग को जानना भी चाहिए कि हेरिडिटी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर क्यों देखते हैं, और सिमिलर दिखने के साथ हम लोग वेरिएशन चेंजिंग क्या क्या आता है वो हम लोग को देखना है। इस चैप्टर में हम लोग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग को हेरिडिटी ही पढ़ना है क्योंकि एवोल्यूशन हम लोग का सिलेबस में डिलीट हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कि हेरिडिटी होता है क्या। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि जेनेटिक्स होता है क्या है। तो जेनेटिक्स होता है कि जेनेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यानी कि हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो इनहेरिटेंस के कारण जो आ रहा है कैरेक्टर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। वेरिएशन का मतलब होता है कि क्या क्या चेंजिंग हो रहा है हमारे, जो हम लोग अपने पेरेंट्स से क्या क्या चेंज को क्या अडेप्ट किए हुए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर या ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एंड नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। यानी कि जो वन जनरेशन का मतलब कि जो मेरे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर आ रहा है ऑफ स्प्रिंग या उसको प्रोजिनी में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशन को हम लोग जानेंगे दो टाइप से। वेरिएशंस का मतलब होता है कि जो चेंजिंग हो रहा है, यानी जो एडेप्टेशन हो रहा है जो हमारे पेरेंट्स में और प्रोजेनी में जो डिफरेंस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। वेरिएशन जो है सोमेटिक वेरिएशन एक होता है, एगेमेटिक वेरिएशन होता है। सोमेटिक वेरिएशन यही होता है कि जो नॉन ट्रांसमिटेड जो कैरेक्टर हम एडेप्टेशन करते हैं उसको हम लोग सोमेटिक बोलेंगे, और जो कैरेक्टर गैमेट के थ्रू आता है जिसको हम लोग गैमेटिक वेरिएशन बोलेंगे। इट टेक प्लेस इन द बॉडी सेल, इट इज नाइदर इनहेरिटेड नॉन ट्रांसमिटेड, इट इज ऑल्सो नॉट एक्वायर्ड ट्रेड। यानी कि एक्वायर्ड ट्रेड का मतलब होता है कि हम लोग खुद इसको एक्वायर्ड यानी कि अडेप्ट किए हुए हैं। जैसे अगर मेरे पापा के पास बाइसेप नहीं है, लेकिन हम लोग के पास क्या है, बाइसेप है। हर कैरेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अडेप्ट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं। और इनहेरिटेंस के कारण क्या होता है कि वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स का है वो कैरेक्टर हम लोग में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। और वेरिएशन होता है जो चेंजेस होता है। वेरिएशन होता है जो दो में हमेशा मिलेगा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ए सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में हमेशा फ्यू मिलेगा, यानी कि कुछ मिलेगा, यानी कि स्मॉल मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही सेल से बना, जैसे एम्यूबा वो किससे किस सेल से बना, वो एक ही सेल से बना है। और जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल के बारे में बोले तो हम लोग का क्या, दो अपोजिट सेक्स और जो सेक्स मिलके, यानी कि दो अपोजिट यानी कि मेल और फीमेल मिलके है ना, हम लोग में क्या आया, एक प्रोजेनी आया यानी कि ऑफस्प्रिंग आया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि वेरिएशन उसमें आया, बहुत सारा चेंजिंग होके आया, क्योंकि बहुत सारा गैमेट एक दूसरे को क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो इसमें क्या आया, प्रोजेनी। और इसमें एक ही सेल से बना गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि एक ही कैरेक्टर यानी एक ही सेल यानी कि एक ही सिंगुलर सेल से ही बना होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले भी हम लोग जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का भी वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एक सेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या है डिफरेंस है, उसमें क्या क्या चेंजिंग होता है क्या क्या नहीं होता, वो हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे गैमेटिक वेरिएशन टेक प्लेस इन द गैमेट रिप्रोडक्टिव सेल, इनहेरिटेंस एज वेल एज इनहेरिटेंट होता है जो आल्सो नेट, इसको क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंट ट्रेड बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा कि जो हम लोग अपने पेरेंट्स की तरह जो हाइट उनको है उसी तरह हम लोग का हाइट मिलता है, नोज का, आई का, लेकिन यहाँ पे आई का जो कलर होता है वो मेरा क्या हो जाएगा, वेरिएशन, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। जैसे मेरे पापा का कलर ब्राउन है तो मेरी मम्मी का कलर अगर ब्लूइश है या ब्लैक है, तो हम लोग का इसका एडेप्टेशन यानी कि जो भी है उसका दोनों का मिक्स करके जो भी प्रोजेनी में जो भी ऑफिस में आएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, गैमेटिक वेरिएशन। एक्युमुलेशन क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन रिप्रोडक्शन, वेरिएशन अकर्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन वेयर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई सेक्सुअली और सेक्सुअली। यानी कि जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा वो क्या होगा, वेरिएशन फ्यूवर होगा यानी कि फ्यू होगा, और जो वेरिएशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा वो वेरिएशन क्या होगा, लार्ज देखने को मिलेगा, उसमें बहुत
बहुत सारा कैरेक्टर है जो हम लोग का चेंजिंग मिलेगा किससे, पेरेंट्स से, जो डिफर करेगा कि हम उनके प्रोजेनी है, यानी कि बहुत सारा कैरेक्टर होगा जो सिमिलरिटीज होगा, यानी कि आप कितना भी 100% में भी होगा तो 99% भी आप पेरेंट्स की तरह रखेंगे, फिर भी 1% जो ऐसे होगा जो डिफर करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। आज के टॉपिक में सिर्फ हमने जाने कि वेरिएशन होता है क्या है और हेरिडिटी क्या होता है, इसी को हम लोग समझे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, मतलब सॉरी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि मेंडल्स लॉ क्या है और मेंडल्स लॉ किस पे आया है, क्या दिया है मेंडल्स, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाने। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।